India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी एजी पेरारिविलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बाध्य हैं। पेरारिविलन ने राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल की सजा काट ली है और अदालत ने दया याचिका भेजने की राज्यपाल की कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के इस सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने सख्ती से केंद्र को कहा कि आप गुण दोष के आधार पर इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम पेरारिविलन को जेल से रिहा करने का आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद के तहत 36 साल जेल में काट चुके एजी पेरारिविलन को रिहा करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को मानने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के कदम को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो आंख मूंद कर नहीं रहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उसे जेल से रिहा करने का आदेश पारित करेंगे क्योंकि आप गुण दोष के आधार पर इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं जो संविधान के खिलाफ हो रहा है और हमें संविधान का पालन करना होगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट ने केंद्र की इस राय से सहमति नहीं जताई कि अदालत को इस विषय पर राष्ट्रपति का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र के सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया है कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने केंद्र को बताया कि राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 161 के तहत तमिलनाडु कैबिनेट द्वारा दी गई सहायता और सलाह के लिए बाध्य है। कोर्ट ने केंद्र को अगले सप्ताह तक अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से कहा है कि ये कोर्ट द्वारा तय किया जाने वाला मामला है, राज्यपाल के फैसले की जरूरत भी नहीं थी, वही कैबिनेट के फैसले से बंधे हैं, हमें इस पर गौर करना होगा। केंद्र की ओर से पेश हुई नटराज ने कहा कि राज्यपाल ने फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि गणमान्य व्यक्तियों को कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, लेकिन संविधान का काम रुकना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सोचा है कि हमारा कर्तव्य है कि हम कानून की व्याख्या करें, न कि राष्ट्रपति। ये सवाल कि क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय राज्य मंत्रिमंडल की इच्छा को राष्ट्रपति के पास भेजने का कदम सही था, ये अदालत द्वारा तय किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 124A या राजद्रोह की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार को सुनवाई जारी रखेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहले मामलों को 5 या 7 जजों की बड़ी बेंच को रेफर करने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को शनिवार तक का समय दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस पर सुनवाई करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत देशद्रोह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए या नहीं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार को दोपहर 2 बजे होगी और सरकार याचिकाकर्ताओं को बड़ी बेंच के संदर्भ के समिति पहलू पर 1 घंटे तक बहस करने की अनुमति होगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धारा 124A की संवैधानिक वैधता और केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में शीर्ष अदालत के 1962 के फैसले का बचाव किया। वेणुगोपाल ने कहा कि केदारनाथ सिंह ने धारा 124A की वैधता को बरकरार रखने का फैसला संतुलित निर्णय और इसे बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि धारा 124A के दुरुपयोग को नियंत्रण में लाया गया है। देखिए इस देश में क्या हो रहा है। कल हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश में पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा
कि एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केदारनाथ का निर्णय एके गोपालन युग में किया गया था, जब अनुच्छेद 21 पर एके गोपालन मामले में निर्णय क्षेत्र में था, जिसमें सभी मौलिक अधिकारों को अलग अलग रूप में देखा गया था। सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि आरसी कॉपर के फैसले के बाद मौलिक अधिकार न्याय शास्त्र में अधिकारों को एक ही ताने बाने के एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्से के रूप में देखा जाता है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि मौलिक अधिकार न्याय शास्त्र के आलोक में तीन न्यायाधीश की पीठ केदारनाथ की अनदेखी कर इस मुद्दे पर जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका में केदारनाथ पर पुनर्विचार की मांग नहीं की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का रुख केंद्र सरकार से अलग हो सकता है और वो दो दिनों में केंद्र सरकार के रुख को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अदालत धारा 124A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक बेंच की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आजादी के 75 साल बाद कानून की जरूरत थी। कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी थी। केंद्र सरकार ने अभी तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ओटीटी पर रिलीज होने के लिए हरी झंडी मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिल्म 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 6 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज के लिए तैयार है। बेंच ने फिल्म के निर्माता सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, प्रथम दृष्टिता ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश स्पष्ट रूप से सुविधा के संतुलन के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने के संबंध में सिद्धांतों की अनदेखी की है। किसी भी मामले में दावा करें कि क्या प्रतिवादी में से कोई फंड का दावा है, उस आदेश पर रोक लगाई जाती है। पीठ ने प्रतिवादी नंदी चिन्नी कुमार को नोटिस जारी करने के बाद याचिका को अगले गुरुवार यानी 12 मई को निपटाने के लिए पोस्ट किया है। 29 अप्रैल को न्यायमूर्ति पी सुधा की एकल पीठ ने हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार द्वारा झुंड के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया था। दरअसल झुंड के निर्माताओं और कॉपीराइट के आरोप लगे थे, जिसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी और सुनवाई के लिए 9 जून की अगली तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दायर मामले में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया। इस रिकॉर्ड को करते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने सिंह की विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने शुरू में कहा कि हाईकोर्ट को मामले का फैसला करना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने मामले को शासन का बदला बताया। सिंह राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान SLP को वापस लेने की मांग करने वाला एक आवेदन दिया गया है। दवे ने अदालत को सूचित किया कि आवेदन दिया गया था लेकिन दायर नहीं किया गया है। पिछली बार कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया था लेकिन जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने टिप्पणी की थी, जमानत का कोई सवाल नहीं, हम नोटिस जारी करेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की थी कि जब पुलिस अधिकारी एक सरकार के साथ अच्छे होते हैं तो सरकार बदलने पर उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ता है। सिंह द्वारा उनके खिलाफ एक जबरन वसूली के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी देश में नए चलन पर तीखी मौखिक टिप्पणी की थी, जहां पुलिस अधिकारी सरकार के साथ पैसे निकालते हैं और सरकार बदलने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने पर संरक्षण की मांग करते हैं। सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के लिए दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में मध्य प्रदेश सरकार से ओबीसी आरक्षण से संबंधित डेटा मांगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा 25 मई को तैयार हो जाएगा, इसलिए सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से 23,000 पंचायत सीटें खाली हैं। हालांकि कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा तो महाराष्ट्र के आधार पर वहां पर भी पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया डेटा पूर्व नहीं होगा तो महाराष्ट्र के आधार पर यहां पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के 23,000 पंचायत पद मध्य प्रदेश में खाली हैं। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द ही सरकार इस मामले में संबंधित डेटा एकत्र करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि एमपी में 321 नगरीय निकाय के पद भी खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा के बिना निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है। इस पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लग चुका है। यहां ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का आधार पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। इस बीच इंदौर के सुरेश महाजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। इसमें मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव जल्द करवाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि समय पर चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। प्रदेश में आरक्षण सहित परिसीमन का अधिकार राज्य सरकार की बजाय चुनाव आयोग को सौंपा जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस थोट्टाविल बी राधाकृष्णन को मराडू कोच्चि में इमारतों के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार बिल्डर प्रमोटर व्यक्तियों अधिकारियों के संलिप्तता की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा कि ये 61,50,00,000 रुपए की राशि से संबंधित है जिसे राज्य सरकार द्वारा फ्लैट मालिकों को भुगतान किया गया है, जो राज्य सरकार को अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा वापस किया जा रहा है। आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी और जांच को तेजी से पूरा करने के लिए जस्टिस थोट्टाविल बी नायर राधाकृष्णन को सभी सहयोग प्रदान करेगी। फ्लैटों के बिल्डरों को भी तलब करने पर जस्टिस थोट्टाविल बी नायर राधाकृष्णन के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए जाते हैं। जस्टिस थोट्टाविल बी नायर राधाकृष्णन जांच करने के लिए फीट का निर्धारण कर सकते हैं, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन किया जाएगा। पीठ ने जस्टिस राधाकृष्णन से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द जांच करें और जुलाई 2022 के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट सौंपे। मराड़ू में 4 हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग को जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। ये बिल्डिंग प्रासंगिक तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों के उल्लंघन में बनाई गई थी। सितंबर 2019 में कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के बालकृष्णन नायर को फ्लैट खरीदारों को देय मुआवजे को तय करने के लिए पैनल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। जिग्नेश मेवानी को महेसाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनको 3 महीने की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जिग्नेश मेवानी के साथ साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी 3 महीने की सजा सुनाई गई है। कुल 12 लोगों को सजा हुई। ये मामला बिना इजाजत रैली करने का है, जिस मामले में जिग्नेश मेवानी, रेशमा पटेल और सुबोध परमार को सजा सुनाई गई है। वह करीब 5 साल पुराना है। उन्होंने साल 2017 में आजादी कूच रैली की थी। आरोप लगा है कि यह रैली बिना इजाजत की गई थी। अब इसी मामले में महेसाणा कोर्ट ने इनको दोषी पाया है। विधायक जिग्नेश मेवानी, एनसीपी की नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार पर रैली करके सरकारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। बता दें कि रेशमा पटेल राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऊना में दलितों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद 12 जुलाई 2017 को आजाद कूच नाम से महेसाणा के पास बनासकांठा में आंदोलन किया गया था। फिलहाल जिग्नेश मेवानी जमानत पर बाहर हैं। मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया था। फिर कोकराझार कोर्ट से जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई थी। हालांकि इसके तुरंत बाद पुलिस ने जिग्नेश को दूसरे थाने में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मेवानी को इस केस में भी जमानत मिल गई थी। फिलहाल इस जमानत के खिलाफ असम सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस पर अब 27 मई को सुनवाई होनी है। मैं रेशमा पटेल की बात करें तो वे एनसीपी से पहले भाजपा में भी रही थीं।
तब दिसंबर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। फिर साल 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था और कहा था कि भाजपा अब सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी बनकर रह गई है। रेशमा पटेल हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन का हिस्सा रही थी। फेसबुक या मेटा ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह एक निजी पार्टी है और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ दावा नहीं किया जा सकता है। मेटा ने कहा कि उपयोगकर्ता कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए साइन अप करते समय कंपनी के साथ एक समझौता करते हैं और इसीलिए मेटा की सेवा की शर्तों के रूप में उपयोगकर्ताओं और उसके प्लेटफॉर्म के बीच संबंध एक निजी अनुबंध से उत्पन्न होता है। मेटा ने कहा कि मेटा संप्रभु कार्य नहीं करता है और विशेष रूप से अपने क्षेत्र में एकाधिकार के रूप में सार्वजनिक महत्व का कार्य नहीं करता है। मेटा एक निजी पार्टी है और भारत में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता मेटा के साथ एक समझौता करते हैं जब वे इंस्टाग्राम सेवा का उपयोग करते करने के लिए पंजीकरण करते हैं। इंस्टाग्राम सेवा एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक मंच है और याचिकाकर्ता को इसका उपयोग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता का मेटा के खिलाफ अनुच्छेद 19 अधिकारों का दावा करने का प्रयास अनुचित है, कानून के विपरीत और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। कंपनी ने अपने तर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया कि अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा निजी पार्टियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। ये जवाब वॉकफ्लिक्स नाम के एक अकाउंट को प्रोपराइटर के याचिका के जवाब में आया जिसे इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया था जिसका मालिकाना हक मेटा प्लेटफॉर्म्स के पास है। वॉकफ्लिक्स की याचिका के अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा हैंडल और खातों के निलंबन के मुद्दे से संबंधित लगभग आधा दर्जन अन्य मामलों पर भी सुनवाई कर रहा था। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा के कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब 19 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल मथुरा की एक अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। उतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर कारागार मौजूद है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर खुदाई कराई जाएगी तो ये बात साबित हो जाएगी। बता दें कि इसी विवाद पर कई और याचिकाएं भी अलग अलग कोर्ट में दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को समझौते के जरिए मस्जिद को देने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं के साथ धोखा करके कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की संपत्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के अनाधिकृत रूप से समझौता करके शाही ईदगाह को दे दी गई जो कि गलत है। कोर्ट घोषित करे कि श्रीकृष्ण जन्म सेवा संस्थान की ओर से 12 अगस्त 1968 को शाही ईदगाह के साथ किया गया समझौता बिना क्षेत्र अधिकार के किया गया था। इस याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह ठाकुर केशवदेव महाराज कटरा केशवदेव की 13 एकड़ भूमि पर बनाई गई है और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से गलत है। इस आधार पर उक्त डिक्री को खारिज कर उक्त भूमि उसके वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जानी चाहिए। इस मामले में उन्होंने शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के सचिव उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। We'll be right back.